गन्ने के खेत में मिले युवक की शव की पहचान में नया मोड़ आ गया है। खेत में शव मिलने के बाद मृतक युवक के हाथ पर सरबेश गुदा देख बहन ने खुद का भाई होने की शिनाख्त की थी, लेकिन जब मृतक का पिता मौके पर पहुंचा और पुलिस ने शव का चेहरा दिखवाया तो उन्होंने खुद का बेटा होने से इनकार कर दिया। इससे परिजनों ने तो राहत की सांस ली, लेकिन पुलिस के लिए शव की पहचान के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं। मामला रेउसा थाना इलाके का है। दरअसल सकरन थाना इलाके के बाछेपुर निवासी 26 वर्षीय सर्वेश पुत्र राजेंद्र भार्गव रक्षाबंधन पर्व पर बहन से राखी बंधवाने के लिए रविवार की दोपहर को बोहरा मजरा रमुआपुर कालिका सिंह के लिए घर से निकला था, लेकिन सर्वेश शाम तक वहां पर पहुंचा नहीं। इस पर परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। सोमवार की सुबह सधुआपुर मजरा कालिका सिंह के ग्रामीण गांव के उत्तर सालपुर निवासी सुरेश दीक्षित के गन्ने के खेत में चारा लेने गए थे तो वहां पर एक युवक का शव पड़ा पाया। उसका गला धारदार हथियार से कटा था। शव मिलने की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। गांव के ही प्रमोद भार्गव की पत्नी कांति ने मृतक युवक के हाथ पर सर्वेश लिखा देख परिजनों ने भाई के गायब होने की खबर दी थी, लेकिन जब जानकारी पाकर राजेंद्र भार्गव वहां पर पहुंचे और पुलिस ने मृतक युवक का चेहरा दिखाया तो उन्होंने उसे अपना बेटा होने से इनकार कर दिया। ऐसे में अब पुलिस अज्ञात युवक के शव की पहचान में जुट गई है। जैसा कि अभी शव मिला था, आपने कहा था आपके बेटे का है, अब आप कह रहे हो कि वो आपका बेटा नहीं है, क्या है? तो हम देखें ना, आप देखें ना, तो हम जान पान की हमारा लड़का नहीं। कैसे जाना? वो का एक दाया हाथ की उंगली नहीं थी, एक कोड़ गायब था, पूरा पूरा नाखून नहीं था उसमें। अब मैं नाखून है पांचों में जो है वो हमारा लड़का नहीं। हमारा लड़का नहीं। क्या इसको पहचानते हैं आप? कौन है इस शव को? कहीं से आपकी पहचान है या नहीं? हमारी नहीं कोई पहचान। क्या नाम आपका? राजेंद्र। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर में तो चला किचन के अंदर, और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया।